अच्छा लग रहा है ना मंशिमा कि लाडली को जिता दिया. कॉन्ग्रेचुलेशंस. हमें पता चल गया मंशिमा कि आप किससे कितना प्यार करती हैं. ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है गौरी. हमारी कोई भी बेटी जीते क्या हारे. हार तो हमारी ममता की हुई. कट क्रैप. यू एंड योर ममता. तुम्हारी वजह से हम इस हाल में हैं और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है. अच्छा सिला दिया तुमने पापा के एहसानों का. पढ़ के पापा को बीच में मत लाओ गौरी. तुमने जो किया है उसी की सजा मिली है तुम्हें. हम चाहे तो वो सबूत घर पे भी दिखा सकते थे. उसका कोई फायदा नहीं होता. कि तुम फिर से कोई नई चाल चल लेती. अच्छा हुआ तुम्हारे जरिए पूरी दुनिया को पता चल गया एक सुहागन के सिंदूर के साथ खेलने का नतीजा क्या होता है. तुम मानो या ना मानो गौरी, हमने हमेशा से तुम्हें अपनी बहन माना. कौन बहन? कहाँ की बहन? कैसी बहन? तुम कभी हमारे लिए बहन थी ही नहीं काली. तुम सिर्फ हमारा काला टीका थी. एंड आज तक तुमने हमारे लिए किया ही क्या है. हाँ हमसे सब कुछ छीन लिया. हमारा हक युग. मगर तुम्हें क्या लगता है कि अब हम यहां से जा रहे हैं तो दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे? गलत सोच रही हो. दोबारा आएंगे. दोनों को कभी भी शांति से जीने नहीं देंगे. पलट कर वार करेंगे. याद रखना. तो तुम भी याद रखना गौरी. जब जब तुम वार करोगी हम अपने परिवार की ढाल बने नजर आएंगे. तुम तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत हमारे परिवार की खुशियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती. रक्षा कीजिए राम जी. यह अनर्थ मत होने दीजिए. ठीक हो ना? अरे का ठीक है. सब चौपट हो गया.
मन में को आग लगा रहे हैं, आप सुकून है। डरिए मत, ये सब तो बस फॉर्मेलिटीज है। यू आर इन गुड हैंड्स। सिस्टर, ऑपरेशन रूम रेडी है, इन्हें वहां ले जाने की तैयारी करो। Excuse me, गौरी झा के नाम से कोई एडमिट हुआ है क्या? जी हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही रूम नंबर 101 में। थैंक यू। मिलेंगी? वो आज नहीं मिलेंगी, आज उनका ओटी डे है। कहाँ है ऑपरेशन थिएटर? आगे से लेफ्ट। थैंक यू। अभी पता था तुम दोनों इस बच्चे को बचाने जरूर आओगे। ऐसा मत करो गौरी, जो कुछ भी हुआ उसमें इस बेचारे की क्या गलती जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। प्लीज गौरी मान जाओ ना, ऐसा पाप मत करो। देखो काली, हम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आए तो सब उसे नाजायज कहकर बुलाए। Oh.